सक्षम तो बेल पे बाहर आ गए, पर नीलामी का क्या? लॉयर को फोन करके कुछ दिनों के लिए मैंने रुकवा दिया है। तूने ही गोली चला के ना ऊपर कातिल ये है। बता मीनन, उस वक्त तू भी वहां थी ना? सबको बता सच क्या है। बाप, आप जो हुआ उसे भूल जाइए। अब आगे बढ़ते, अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करते। कैसे करें सक्षम, गलती तो मैंने की है ना। गुनाह तो मुझसे हुआ है बेटा। भूमिका को 20 साल तक उसकी माँ से दूर रखा मैंने। इस बात को कैसे पूछ? ये गुनाह नहीं पाप है मीनल, और इसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। मैंने आपको माफ किया। समझती हूँ आपने जो किया अपने बच्चे के लिए किया, सक्षम जी के लिए किया। मैंने भी जो भी कुछ किया सक्षम जी के लिए किया। आपका इरादा, आपकी सोच अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सही थे। बीती बातों को लेके रोने का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी में आगे बढ़ते मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज मीनल बाजी को माफ कर दीजिए। बाजी, आज वो सब कितने खुश होंगे, सब साथ हो गए वहां, भाई बेटा बहन सब।
और मैं अकेला। नहीं मुन्ना, तू ऐसा क्यों सोच रहा? मुझे दुख नहीं होता क्या? हाँ, जब मेरी बेटी मुझे छोड़कर किसी और को माँ बोलती है, किसी और को माँ मानती है, तो मेरे दिल पर क्या बीतती है ना, ये कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। तू टेंशन मत ले माँ, से बहुत गर्व है ना अपने उस माँ पे, बहुत सुनती है ना उसकी। अब देख उसकी छत्र छाया कैसे उठाता हूं उसके सर से। मुन्ना तू क्या करने वाला है? हा? हमारा सौभाग्य है मीनल कि हमें गोपिका जैसी बहू मिली। सच। अरे गोपाल, सब लोग आ जाओ, आ जाओ आशीर्वाद। पूरे परिवार को खुशियां मना लेने दे मां, क्योंकि आज उनकी खुशियों का आखिरी दिन है। फिर से नशे में है तू? मुन्ना भैया, वो इस भाई का ना आइटम से ब्रेकअप हो गया, तो मेरा दिल टूट गया, मैंने पी ली। अबे ब्रेकअप इसका हुआ, दारू तूने क्यों पी? अबे छोड़ो ना मुन्ना भाई, आप बताओ क्या करना है, मैं हूं ना होश में, बताइए आप क्या करना है? इस चौल में एक परिवार रहने है ना, मोदी परिवार। उसमें एक बुढ़िया रहती है मिथिला, उसको उठाना। बैठी बुढ़िया को उठाना है, ये कोई बात नहीं बोला। अबे वो नहीं उठाना, जो हम करते हैं वो उठाना। उस परिवार की वजह से मेरी माँ मेरे से 20 साल दूर रही। मैं अपनी माँ को ही अपने बाप का कातिल समझता रहा, मेरी जिंदगी उजाड़ के रख दी उस परिवार ने। अब वही चीज उसके परिवार जब फील करेंगे तब उनको समझ में आएगा। मिथिला उस घर की सबसे बड़ी है ना, इसलिए उसी को उठाना है। समझ गया मुन्ना भाई, हो जाएगा। इतने सालों तक जो दर्द आपने झेला है ना, उसका हिसाब किताब करने में हम पूरी सी जान लगा देंगे मुन्ना भाई। चल तो दा। चल। मुन्ना भाई के खुश होने का वक्त। चाय और बिस्किट गोपिका, ये चाय लो और बिस्किट खाओ ना, ये लो। अरे लो ना बिस्किट, पानी चाहिए, कुछ और चाहिए? हमें भी पूछ लो, ये लो। हाँ तो तुम पियो ना, ये लो। जब से भाभी ने वो कोमल कुमारी को पटका है ना, आशी की चाल ढाल ही बदल गई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो गोपिका ने 20 गोपिका ने ट्रेनिंग बंद कर दी है ना अपनी, इसीलिए। अरे बाप, इतने पंचेस लगे हैं ना मुझे, इसीलिए मैं खुश हूँ। सॉरी आशीर्वेद, जान के नहीं हुआ था, बस ट्रेनिंग के दौरान गलती से। अरे कोई बात नहीं, उसमें क्या है। आज पूरे परिवार को एक साथ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखना, बहुत जल्द हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पर
पापा अगर साथ में होते ना तो और भी मजा आता। पर यही तो दुर्भाग्य है कि वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि कानून की नजर में उन्होंने जो भी किया है वो गलत है। अरे पर इसमें सैड क्या होना? मतलब सैड होने का टाइम थोड़ी है, सेलिब्रेशन का टाइम है। सक्षम के पिताजी जेल में, हम सेलिब्रेट करें? नहीं बड़ी सासुमा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मतलब सक्षम जेल से बाहर आ गए, नीलामी रुक गई है ना? तो मैं क्या सोच रही थी, हम ना अच्छा सा स्वीट सा केक बनाते हैं। लेकिन आशीबेन केक आपको तो वो जो आसानी से बन जाता है उसकी आदत है ना, वो जो रेडी टू कुक रेडी टू मेक वो सब होता है, तो उसके लिए तो माइक्रोवेव या ओवन की जरूरत है, वो तो है नहीं हमारे पास। गोपिका, हमारी आशी कुकर में केक बनाएगी। कुकर में? आशीबेन कुकर में? हाँ। केक? हाँ। मैं? कुछ कहा आप? नहीं, कुछ नहीं। बनाओ फिर। अब आप सब क्यों हंस रहे हैं? वो इसलिए कि केक चिराग ने मंगा लिया है बाहर से रेडीमेड, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। ओ बड़ी सासु माँ, ऐसा कुछ नहीं था, मैं बना लेती हूँ कभी जुगाड़ करके। और बनाओ, चलो। नहीं मतलब बनाओ। ऑर्डर कैंसिल करो। हाँ कैंसिल। अब मंगा ही लिया है तो फिर ठीक है ना, वही खा लेते हैं। ओह करेंगे माँ? क्या हुआ आप? आप सब ठीक तो है? मुन्ना घर से गुस्से में निकला है, वो मिथिला बहन को कुछ भी कर सकता है। माँ जी, माजी, क्या हुआ गोपिका? क्या हुआ गोपिका? गोपिका कुछ बताओ, क्या माजी कहाँ है? क्या हुआ? ये तो थी माँ। क्या गोपिका हुआ क्या? बताओ ना। गोपिका, गोपिका। अभी जल्दी बताइए माजी कहाँ है? अरे हमारे साथ ही थी, वो कहाँ गई बताइए ना।
आपने मुझे फोन करके बताया ना, माँ बताइए ना माजी का है। मुझे नहीं पता, वो मुन्ना गुस्से से निकला था घर से। मिथिला बहन कहाँ है मुझे सच में नहीं पता, लेकिन एक इंसान है शायद उसे पता हो। कौन? चल चुपचाप खा ले। मैं ये घास फूस वगैरह नहीं खाता, हर रोज यही एक चीज, दाल रोटी सब्जी। रजो, माँ पापू घर पे नहीं है और ये लोग इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? मुझे ना मेरा होमवर्क करना है, पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है। मैं किसका, आप संभालो। बाय। रजो मुन्ना कहाँ है? क्या तुम्हारे पति के बारे में पूछ रहे हो? जवाब दो। भैया मैं उधर देखता हूँ। हाँ, मैं भी देखती हूँ। रजो मुन्ना कहाँ है? मुझे क्या पता। मुन्ना, मुन्ना जो समझने की कोशिश करो, माजी की जान को खतरा है। मुन्ना भैया ने माजी को किडनैप किया है, प्लीज बता। अरे कहा ना, मुझे नहीं पता। रजो तुम्हें सब पता है, मुन्ना क्या करता है, कहाँ जाता है, सब सीधी तरह बता दे, मुन्ना कहाँ है। आपको क्या लगता है सासू माँ, आपकी तरह मैं भी पलट जाऊंगी? आपने तो अपने बेटे को धोखा देने का ठान ही लिया, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसके लिए मुझे आग में भी कूदना पड़ेगा ना, तो वो भी करूंगी, लेकिन उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक। मुन्ना का कुछ पता चला? सच मुन्ना कहीं नहीं है। रजो कहाँ है? मुन्ना रजो, सीधी तरह बता दे मुन्ना कहाँ है, वरना गोली चल जाएगी। इन दुश्मनों के लिए अपनी बहू पर गोली चलाओगी? इनके लिए नहीं, मेरे बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ मैं। बता मुन्ना कहाँ है और मिथिला जी कहाँ है, वरना मुझ पर गोली चला कर ना आप ही जेल जाओगी। 20 साल तक मैं कैद में रही हूँ तो मुझे जेल जाने का डर होगा? रज्जो सीधी तरह बता मुन्ना कहाँ है, वरना सच में गोली चल जाएगी। अरे माँ बता दो ना, अगर बापू जेल गए तो तुम्हारा और मेरा क्या होगा? ये दादी के भरोसे रहेंगे क्या हम? प्लीज बता दो भैया कहाँ हैं? बता रजो, बता दे सबको। मुन्ना भैया हमारे, मुन्ना भैया हमारे, मुन्ना भैया हमारे, मुन्ना भैया हमारे, मुन्ना भैया हमारे। अबे पहले एक पी के टल्ली था, अब तुम दोनों हो गए हो। मिथिला मोदी कहाँ है? अरे कहाँ है मिथिला मोदी? मुन्ना भैया, मुन्ना भैया। अगर मेरी शक्ति ना तो तुम दोनों की जान गले में अटकी, समझे? अब पता मिथिला मोदी कहाँ है? अरे पता मोदी कहाँ है? मुन्ना भैया, हमने आपके लिए इतना कुछ किया, आप हमें थप्पड़ मार रहे हो? क्या किया? जो बोला वो किया कि नहीं? किया, किया। मुन्ना भैया, आपकी उम्मीद से बढ़ के काम किया। आप तो उस बुढ़िया को ठकाने वाले थे ना, अब आपको अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। हमने उससे भी गजब, इसलिए हमने आपके लिए पैक लगाया, इसलिए आखिरी दो लाया। तेरी भैंस की आंख, तू पागल हो गया है? कहाँ है मिथिला? मुन्ना भैया, ओए मिथिला कहाँ है? ओए ओए मिथिला कहाँ है? मुन्ना भैया मर रहे, बता कहाँ है? ओए कहाँ है मिथिला? अरे बता मिथिला मोदी के साथ क्या किया तूने? कहाँ है वो? उठ, कहाँ है वो? जेल में वो बुढ़िया, आधे घंटे में। मुन्ना भैया